नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। जेल से रिहा होने के बाद जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार का भाषण सुर्खियों में है। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, कन्हैया कुमार का भाषण कहीं प्रायोजित तो नहीं है? नहीं, प्रायोजित मैं इसे नहीं मानता, लेकिन सोचे समझे तरीके से बोला गया। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कन्हैया कुमार को आज से ठीक एक महीने पहले तक 9 फरवरी की ये घटना है जिसको लेकर इतना सारा हंगामा हुआ, और वो भी 9 फरवरी को घटना हो जाने के 4-5 दिन बाद उसके बारे में चर्चाएं और सुर्खियां बनना शुरू हुई थी। जिस कन्हैया कुमार को दरअसल कोई नहीं जानता था, वो उसको अचानक पूरा देश जानने लगा था, क्योंकि उसको देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और इस जेएनयू के मसले को लेकर राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रप्रेम के सर्टिफिकेट, वामपंथ, दक्षिणपंथ, भाजपा, इतनी सारी विचारधाराओं की आपस में गुत्थम गुत्था लड़ाई हुई। टीवी चैनलों पर इसके कवरेज को लेकर लड़ाई हुई, उसके कवरेज के पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी आवाजें आई। एनडीटीवी ने कुछ अलग ही प्रयोग के लिया जिसको लेकर फिर मतमतांतर रहे। अखबारों की हेडलाइनें इस खबर से रंगी हुई थी। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि अगर राष्ट्र के विरोध में नारे लगे हैं तो गलत है, लेकिन कन्हैया कुमार जो वहां का अध्यक्ष है उसने सीधे सीधे कोई नारे नहीं लगाए, तो उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला नहीं बनता, तो उसको क्यों पकड़ लिया गया? फिर दूसरा, जैसा हमने देखा कपिल सिब्बल वगैरह कांग्रेस के नेता और वकील उसके पक्ष में आए। दूसरी एक बड़ी घटना जो हो गई थी कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के बाद की, जो पटियाला हाउस कोर्ट में उसके साथ मारपीट की हुई, तो उससे कुछ सहानुभूति भी उससे जुड़ी। टेलीविजन के कैमरे उसके गांव में बेगूसराय में पहुंचकर उसके घर को, उसकी माँ को और उसके लाचार पिता जो चल नहीं सकते हैं उनको लगातार दिखाते रहे। उनके गाँव में उनके घर पर मजमा जमता रहा। तो जब वो पहली बार जमानत पर कन्हैया रिहा हो रहा था तो निश्चित तौर पर दुनिया की आंख उस पर लगी थी, क्योंकि इस बीच ये खबरें भी आई हैं कि जो वीडियो फुटेज 9 फरवरी के सामने आया उसमें से कुछ वीडियो फुटेज में छेड़छाड़ की बात हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब ने, आम आदमी पार्टी ने जो जांच करवाई थी उसमें सही माना है। दिल्ली पुलिस की जांच की अभी जो रिपोर्ट थी वो नहीं आई। बहरहाल, महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग इसीलिए इस कन्हैया कुमार को सुनना चाहते थे कि उसके विचार क्या हैं, क्योंकि उसका वीडियो फुटेज जो था वो टूट टूट कर आया था पिछले भाषण का भी। कन्हैया कुमार, मैं मानता हूं कि एक निश्चित तौर पर समझदार पढ़ा लिखा नौजवान नेता है, उसको ये पता था कि जब सारे देश के टेलीविजन कैमरे उसकी तरफ हैं और उसका भाषण लाइव हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोगों द्वारा सुना जा रहा है, तो उसने तय कर लिया था कि उस भाषण का, उस मंच का इस्तेमाल वो अपनी प्रोजेक्शन के लिए करेगा। उसने किया। मैं यहाँ दो बात कहना चाहता हूँ। उसने भाषण दिया, उसकी वजह से समझ में आया कि वो क्या सोचता है, क्या करता है, प्रभावी था। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भाषण से अगर वो राजनीति को बाहर निकालने की हिम्मत दिखा पाता तो यह ज्यादा बड़ा कद उसका होता, जितना हुआ उससे कई गुना ज्यादा। कन्हैया ने अपने भाषण में बदलाव की बात कही है कि बदलाव होकर रहेगा। कन्हैया किस बदलाव की बात कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि वो असल में भारत से आजादी नहीं चाहते, भारत में आजादी चाहते हैं। तो भारत में कहां का आजादी नहीं है ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। अगर अपने ही भाषण में वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की चुटकी ले सकते हैं, तो अगर वो उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो वो उनके पास है, उन्होंने सीधे कहा और सीधे देश ने सुना। और मैं ये मानता हूं कि बहुत अच्छी बात है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी, अभिव्यक्ति के लिए भी और प्रेस के लिए भी अच्छी बात है कि कोई बीच में नहीं था। टेलीविजन के कैमरे थे और दर्शक थे, दर्शक सीधे कन्हैया से रूबरू थे। कन्हैया को यह बताने का समय था कि वो क्या है, किस मिट्टी का बना है, किस सोच का बना है। उसने जो सोच सामने रखी उससे पता लगता है कि बदलाव की चिंगारियों, लाल सलाम, वामपंथ, क्रांति से जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन उस क्रांति को, क्योंकि उसने खुद दो एक विरोधाभास से बात की, उसने कहा कि जेएनयू के हम लोग पढ़े लिखे लोग जिस भाषा का, जिस विचार का प्रयोग करते हैं, आम आदमी वो भाषा नहीं बोलता, उससे उसकी भाषा में बात करनी होगी। इसी से उनको ये भी सबक और समझ लेनी चाहिए कि जिस क्रांति और बदलाव की बात करते हैं वो केवल नारे से नहीं आएगी। हम क्या चाहते, आजादी या आवाज दो, हम एक हैं, ये नारे लगा लेना बहुत अच्छा है। युवाओं के इस जोश का, बदलाव के आग्रह का मैं सम्मान करता हूं। कॉलेज से हमारे पास नया नेतृत्व आ सकता है, इसके हम बहुत मजबूत पक्षधर हैं, लेकिन केवल नारों से इन चिंगारियों को, बदलाव के शोलों में नहीं बदला जा सकता। आप जब कहते हैं कि आप बदलाव चाहते हैं गरीबी, तो आपको रोका किसने? आप अगर चाहते हैं कि आप एक राजनीतिक दल बनाकर ऐसी लोकतंत्र के माध्यम से बदलाव, आपने कहा भी कि हम लोकतंत्र के माध्यम से अंबेडकर साहब के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इस देश के हर राजनीतिक दल के लिए जरूरी है कि वो न चाहते हुए भी अंबेडकर के सपनों को पूरा करके, कि संविधान की जो प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष होते तो उनके विचार उसमें है, और उनके विचार हैं वो देश के विचार बन चुके हैं, क्योंकि वो उनके व्यक्ति के रूप में विचार नहीं है, पूरी समिति के विचार थे, उसकी अध्यक्षता उनके पास थी, और उस संविधान को मानते हुए इस देश चलता आया है, और उस संविधान में बदलाव भी किए हैं जब जो जरूरी बदलाव लगे हैं। कुछ बदलाव ऐसे हैं जो होने चाहिए, आरक्षण वाले नहीं हो रहे हैं। मुझे लगता है कई मायनों में कन्हैया कुमार का ये जो भाषण है
ये ऐतिहासिक जरूर है, क्योंकि यहां से पंथों की लड़ाई, पार्टियों की लड़ाई और राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई एक नया रूप ले रही है। 16 मई 2014 को जो देश में एक बड़ी राजनीतिक बदलाव हुआ है, बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार आई है, उसके बाद से जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, जो बिहार में भी हमने देखा कि सब लोग एक साथ हो गए और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक बुरी हार का सामना करना पड़ा, उनको समझ में आया कि शायद ये फॉर्मूला काम करता है, तो इसीलिए सब मिलकर अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की इस चुनौती से निपटा जा सके। सभी लोग अपने अपने राजनीतिक धरातल की तलाश में लगे हैं। ये राजनीतिक धरातल की तलाश किस तरह के नए राजनीतिक समीकरणों को जन्म देगा, कितने नए कन्हैया कुमारों को जन्म देगा, कितने नए कन्हैया कुमार अरविंद केजरीवाल या उसके जैसे वैकल्पिक नेता बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं इस भाषण को ऐतिहासिक इसलिए मानता हूं कि अगर ये भाषण यहां से आगे उस राजनीतिक मंच तक पहुंच सका जहां तक ये पहुंचना चाहता है, तो निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण होगा। यदि जी कन्हैया सामंतवाद की बात करते हैं, पूंजीवाद की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, तो क्यों नहीं वे अपने ही राज्य बिहार से इसकी शुरुआत करें जहां गुंडा राज है और बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने अहम बात कही है, क्योंकि कॉलेज के कैंपस में नारे लगाकर बदलाव की बात करना, बदलाव के साथ खड़े रहने की बात करना अच्छा लगता है, लेकिन आप जब सोचना शुरू करें कि ये बदलाव कहां से शुरू हो, तो पहले अपने घर से, अपने समाज से, अपने आसपास के वातावरण से इस बदलाव की शुरुआत करनी होती है। अच्छी बात है कि वो उस कांस्टेबल के साथ खड़े दिखाई देते हैं जिसने उन्हें गिरफ्तार किया था और जिसके साथ वो रहे। अच्छी बात है कि उसको वर्दी धुलाने के लिए केवल 110 रुपए मिलते हैं, इसकी उनको चिंता है। अच्छी बात है कि उनको लगता है कि उसके दर्द में वो शामिल है, लेकिन वो उसके दर्द को दूर कैसे करेंगे? केवल सत्ता को गाली दे देने भर से वो दर्द जो है, वो उसकी बेपरवाही है, वो खत्म नहीं होने वाली है। मुझे लगता है कि ये शुरुआत है, यहां से आगे वो क्या कर पाते हैं, कितना जा पाते हैं, अपने नारों को हकीकत में कितना बदल पाते हैं। अगर हमें कोई ऐसा नेता मिल रहा है जो इन नारों को, क्योंकि नारे तो हम सबके सुनते आए, हमने कांग्रेस के नारे सुने गरीबी हटाओ के, लेकिन गरीबी हटी नहीं है और गरीब बल्कि इस देश में बड़े हो गए हैं और गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती चली गई है। ये किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं है। नारे हमने अरविंद केजरीवाल के सुने थे और हम देख रहे हैं कि नारे देने के बाद और इतने प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ जाने के बावजूद भी वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और किस तरह के मुद्दों से वो टकरा रहे हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना तूफानी कार्यक्रम चलाया था चुनावों के पहले और काले धन की वापसी की बात कही थी, सबका साथ सबका विकास की बात कही थी, जिसका जिक्र उन्होंने किया, तो ये नारे हैं, ये जुमले हैं, लेकिन इन जुमलों को दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से व्यवहार रूप में परिणित करना ही तो वो चुनौती है जिसका सामना नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं। और ये कन्हैया कुमार अगर राजनेता बन जाता है, जीत जाता है और जब नीति बनाने के मामले में आगे आना पड़ेगा, गरीबी को हटाने के लिए फैसले लेने पड़ेंगे और आपका वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आएगा, तब आपको समझ में आएगा क्या ये कन्हैया कुमार राजनेता बनकर देश से आरक्षण, जो कि एक बड़ी खाई है, उसको खत्म करने की बात कर सकता है जिसकी वजह से पटेल और जाट जैसे आंदोलन हो रहे हैं। क्या ये कन्हैया कुमार उस अल्पसंख्यक तुष्टिकरण को खत्म करने की बात कर सकता है जो राजनीतिक दल चाहते हुए भी अपने वोट बैंक खिसकने जाए, इस आधार पे कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि जब आप नेता बन जाते हैं, पद पर पहुंच जाते हैं, तो आपके सामने वोट बैंक की जो मजबूरियां खड़ी होती हैं वो चूंकि कॉलेज के कैंपस में भाषण देते वक्त नहीं होती हैं, इसलिए इस तरह के भाषण अच्छे लगते हैं। ये सुनहरा कल के सपना है जो हर हिंदुस्तानी देखता है, लेकिन ये पूरा कब होगा, बड़ा सवाल तो ये है। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे कन्हैया कुमार के भाषण की जो उन्होंने जेल से रिहा होने के बाद दिया। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।